गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ए वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर न्यू सेशन ऑफ डिजिटल गुरुकुल। नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं फिर से सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से कुछ नई जो है वर्ड्स और उसके मीनिंग्स। ठीक है, इसका पहले पार्ट जो मैंने अपलोड किया था दोस्तों, आप लोग सबका बहुत ज़्यादा प्यार मिला मुझे, करीबन 4.5 लाख लोगों ने उसे देखा और सराहा। उसके बाद मैंने उसका सेकेंड पार्ट लेकर आया हूँ। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि सारे मेरे दोस्त मुझे बोलते हैं या बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करते हैं कि सर बाकी सेक्शंस तो अपने कर लेते हैं लेकिन इंग्लिश में हम अटक जाते हैं। और आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि इंग्लिश में अगर आप लोगों के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स अच्छे होंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपके 70% इंग्लिश कवर हो जाते हैं, चाहे वो अनसीन पैसेज ही क्यों ना हो, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है, बिना सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के कुछ नहीं हो सकता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों के रिक्वेस्ट से फिर से इसका सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। आप लोग जिन्होंने फर्स्ट पार्ट देखा होगा उन्हें पता होगा कि कितनी अच्छी ट्रिक्स है जिससे कि आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। और मैंने पहला चैलेंज आप लोगों के सामने रखा था कि आज तक आप लोग याद करने के लिए जो है मेहनत करते थे, अब आपको भूलने के लिए मेहनत करना है दोस्तों। ठीक है, ये आपका सेकंड चैलेंज है। ठीक है, और एंड ऑफ द सेशन अगर आप लोगों को पसंद आए दोस्तों तो जरूर मुझे लाइक सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों शेयर करना मत भूलिए। बार बार मैं बोलता हूँ दोस्तों, आप लोग जो बाकी दोस्तों को जो जोक्स भेजते हैं या बाकी चीज़ें भेजते हैं उससे बढ़िया है आप लोग ये चीज़ भेजा कीजिए और शेयर किया कीजिए ताकि बाकी दोस्त भी इससे मदद मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोग एक चैलेंज एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, कि आपको एंड ऑफ द सेशन कुछ भी नहीं दिमाग में रखना है, बस मैं जो बोलते जा रहा हूँ बस सुनते जाना है और एक बार बस रिवाइज कर लेना है आपको। फिर अगर आप जिंदगी भर उसे भूले तो आप मुझे लाइक मत कीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं भूले और कल आप लोगों को याद रहता है तो जरूर आप लोग लाइक कीजिए और साथ में अपने दोस्तों के शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जो पहला वर्ड है दोस्तों वो है पैनोशिया। ठीक है, पैनोशिया। ठीक है, आप लोग देखिए ये इस तरह से इसका प्रोनाउंसिएशन होगा, प्रोनाउंसिएशन आप लोग देख सकते हैं। तो इस ट्रिक में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिन्होंने फर्स्ट पार्ट देखा होगा उन्हें पता होगा, नहीं देखा है मैं तो उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, कि कीवर्ड जो होता है सबसे इसका इंपॉर्टेंट होता है ट्रिक्स का, पैनोशिया का। आप लोग याद रख सकते हैं पान प्लस एशिया। ठीक है, पान प्लस एशिया, बस आप लोग याद रखिए, आप लोगों को याद हो जाएगा पैनोशिया क्या होता है। ठीक है दोस्तों, पान प्लस एशिया, इसके पीछे की स्टोरी ये है दोस्तों कि आप लोगों को पता है कि हमारा भारत देश जो है वो अपने ट्रेडिशन के चलते और अपने खान पान के चलते बहुत फेमस है। एक बार मैं साउथ इंडिया गया, वहाँ देखा एक दुकान थी, बहुत ज़्यादा वहाँ भीड़ लगी हुई थी पान की दुकान में। तो मैं वहाँ पूछा कि इतनी भीड़ क्यों है उस दुकान में। ठीक है, जाके मैंने कॉस्ट पूछा तो आप लोग हैरान हो जाएंगे दोस्तों, 5000 रुपीज़ एक पान का कीमत था। तो मैंने पूछा कि 5000 रुपीज़ इतना ज़्यादा कीमत क्यों है इस पान का, तो उन्होंने बताया कि इस पान में कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टी है जिसे खाते ही आपके जितने भी रोग है वो सब दूर हो जाएंगे। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। पानेशिया जैसे आप लोग देखिएगा तो याद रखिए पान प्लस एशिया, मतलब एशिया का पान, मतलब वो पान खाते ही, ये पान खाते ही आपके जितने भी रोग है वो सारे दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पानेशिया मीन्स क्या हो जाएगा, रेमेडी फॉर ऑल प्रॉब्लम्स एंड डिजीज, जिसे रामबाण कहते हैं। ठीक है, पानेशिया मतलब एशिया का जो पान है वो ऐसा है जिसे खाते ही आपके सारे रोग दूर हो जाएंगे। तो जैसे आप पानेशिया PANACEA देखिएगा वैसे याद रखिएगा, कीवर्ड बस एक बार याद कर लीजिएगा, पान प्लस एशिया। साउथ इंडिया गया, वहाँ क्या देखा, 5000 में एक पीस पान, उस पान को खाते ही जो है आपके सारे रोग दूर हो जाएंगे, अर्थात क्या, वो एक रामबाण है, सारे रोगों का रामबाण है। ठीक है, मतलब रेमेडी फॉर ऑल प्रॉब्लम्स एंड डिजीज, समथिंग दैट क्योर्स एवरीथिंग्स। ठीक है, उसे कहते हैं पैनेशिया। ठीक है, बस याद रखिए पैन एशिया, पान प्लस एशिया। ठीक है, चलिए इससे जुड़े कुछ सिनोनिम्स देख लेते हैं। क्योर ऑल मतलब इस पान को खाते ही आपके जितने भी प्रॉब्लम्स है सब कुछ क्योर हो जाएंगे। ठीक है, पान एशिया मतलब एशिया का पान खाते ही आपके सारे जो प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएंगे। एलेक्सर, ठीक है, मतलब एलेक्सर, एलेक्सर मतलब क्या है, आप लोग ध्यान से इसे देखिए, दो तीन में प्रोनाउंसिएशन कीजिए, एलेक्सर इस कैसे आ रहा है, ALIXIR मतलब रिलैक्सर, देखिए एलेक्सर, एलेक्सर मतलब रिलैक्सर, आप लोग इसको ऐसे याद कर सकते हैं, मतलब जैसे ही आप पान खाते हैं आप लोग रिलैक्स्ड फील करते हैं, सारे आपके रोग, सारे दुख, सारे दर्द सब दूर हो जाते हैं। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एलेक्सर मतलब एलेक्सर, क्योर ऑल सब कुछ चला जाता है, पैनेशिया, पानेशिया एशिया का पान खाते ही क्या हो जाता है, एलेक्सर, सारे जो आपके दुख दर्द है सब एलेक्सर, एलेक्सर। ठीक है, रिलैक्स, इसको देखिए कैसे आता है, रिलैक्स सर। ठीक है, ऐसे उच्चारण हो रहा है, बार बार कीजिए, एलेक्सर। ठीक है, इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे दोस्तों, डिजीज मतलब क्या है, एक तरफ से तो आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं, डिजीज मतलब आपके रोग, इंजरी मतलब जब चोट लगते हैं तो आपको दुख होता है या दर्द होता है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल के थ्रू आपका सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करता हूं मैं। ठीक है, क्या है, अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो पैनेसिया। ठीक है,
दैट विल मेक कैंसर इंस्टेंटली वैनिश फ्रॉम योर बॉडी। मतलब क्या है दोस्तों, समझ में आ गया कि अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में ऐसा कोई भी रामबान नहीं है, पान एशिया, पान प्लस एशिया, ठीक है, ऐसा कोई पान नहीं है, मतलब ऐसा कोई रामबान नहीं है जिससे कि हमारे जो कैंसर होते हैं बॉडी से इंस्टेंटली दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग क्लियर होगा दोस्तों, क्या याद रखना है आप लोगों को, पान एशिया जब भी आएगा, पैन एशिया, तो पान प्लस एशिया याद रखिएगा, मतलब एशिया का जो पान है वो दुकान में इतनी भीड़ लगी हुई है कि 5,000 रुपये कॉस्ट है उसका, उसको खाते ही आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, मतलब वो एक रामबान है, ठीक है। पानेसिया एलेक्सर मतलब रिलैक्स हो जाएंगे आप, रिलैक्स सर, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल के थ्रू आपको और थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, कैसे यूज़ कर सकते हैं आप लोग। जितने ज़्यादा एग्जांपल्स यूज़ करेंगे अपने डेली लाइफ में उतनी ज़्यादा आपको क्लियर होगा। आप लोग डेली लाइफ में जैसे कुछ भी बोलना होगा कि एक रामबान है तो उसको आप लोग यूज़ कीजिए, क्योर के बदले आप पैनेसिया यूज़ किया कीजिए अपने आपके डेली लाइफ में। इफ़ यू बिलीव मनी इज द पैनेसिया फॉर ऑल डिफिकल्टीज, यू विल बी शॉक्ड टू लर्न यू कैन नॉट परचेज हैप्पीनेस विथ कैश, ठीक है। मतलब अगर आप मानते हैं कि मनी ही, जो हमारे पैसे ही सारे दुख दर्द का रामबान है, तो आप लोग ये भूल रहे हैं कि मनी से सब कुछ खरीदा जा सकता है पर खुशी नहीं खरीदा जा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग एशिया का पान तो खा लिए, ठीक है, आप लोग के सारे दुख दर्द दूर हो गए, पान एशिया मतलब सारे दुख दर्द आपके दूर हो गए। अब नेक्स्ट वर्ड चलिए देखते हैं क्या है, नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है, नेक्स्ट वर्ड जो है वो है पैंडोनियम, ठीक है। यहाँ पे एम जो है वो साइलेंट हो जाएगा, ठीक है, ऐसे उच्चारण होगा पैंडोनियम, ठीक है, पैंडोनियम, ठीक है। तो आप लोग बस इसके कीवर्ड पे ध्यान देखिए, कैसे याद कर सकते हैं आप लोग इसको, पैंडोनियम को आप लोग देखिए, पैंडोनियम मतलब पांडा हारमोनियम, पैंडेमोनियम बार बार आप लोग कीजिएगा, देखिए पांडा हारमोनियम ऐसे आप लोग कर सकते हैं। तो आप लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं इसके, पांडा प्लस मोनियम मतलब पांडा हारमोनियम, ठीक है। मतलब आपको पता है दोस्तों हारमोनियम जो है इंसानों की बजाने की चीज़ है, ठीक है, अगर उसे जानवर बजाने लगे तो हारमोनियम का क्या हालत होगा, किस तरह से साउंड उसके प्रोनाउंसिएशन आएगा, ठीक है। तो इंसानों के मर्ज बजाने के जो हारमोनियम है वो अगर पांडा बजाने लगे, ठीक है, तो हारमोनियम में कैसा साउंड आएगा, मतलब वो किस तरह से सुनाई देगा आपको पता होगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये पांडा जो है वो हारमोनियम बजा रहा है, ठीक है, अगर इंसान की जगह पांडा अगर हारमोनियम बजाने लगे तो आपको पता है किस तरह के साउंड आएगा, बहुत नॉइजी, ठीक है, बहुत डिसऑर्डर, बहुत टाइप के नॉइजी साउंड्स आएंगे। तो पैंडोमोनियम जैसे ही आता है तो आप लोग के दिमाग में आना चाहिए ये डायग्राम, ठीक है, ये फिगर कि पांडा हारमोनियम बजा रहा है पैंडोमोनियम, ठीक है, तो किस तरह से होगा आपको पता होगा, अराजकता फैल जाएगी जैसे होता है चारों तरफ से, नॉइजी हो जाएगा, डिसऑर्डर हो जाएगा सब कुछ, जैसे चौज कहते हैं, ठीक है, चौज मतलब अराजकता चारों तरफ फैल जाएगी चारों तरफ, ठीक है, चौज मतलब अराजकता होता है, नॉइज या डिसऑर्डर। पांडा हारमोनियम बजाने पर क्या होगा, चारों तरफ से जो है अशांति फैल जाती है, जिसे डिसऑर्डर या चौज जैसे कहते हैं, उस तरह से साउंड होता है अशांत, ठीक है। तो पैंडेमोनियम जैसे ही आता है दिमाग में आपका, पैंडेमोनियम, ठीक है, तो आप लोग एक्चुअली इसका उच्चारण होगा पैंडोनियम, ठीक है, लेकिन पैंडेमोनियम मतलब आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है, पैंडेमोनियम, ठीक है। तो जैसे ही आपके इस तरह से आता है, ठीक है, आप लोग इसे डिवाइड कर दीजिए पांडा प्लस हारमोनियम में, मतलब पांडा अगर हारमोनियम बजाता है तो किस तरह से साउंड आएगा, बहुत नॉइजी साउंड आएगा, डिसऑर्डर या चोज मतलब अराजकता की तरह हो जाएगा, ठीक है, इस तरह पांडा हारमोनियम बजाने से। तो इटसेल्फ में आपके दिमाग में हो जाएगा क्या, विप्लव या अराजकता, नॉइज, डिसऑर्डर या चोज। तो चलिए दोस्तों पैंडोनियम का सिनोनिम्स देख लेते हैं, मतलब पांडा अगर हारमोनियम बजाता है तो उसके समानार्थक क्या होगा, चोज मतलब अराजकता फैल जाता है, टेम्युल्ट, ठीक है। तो आप लोग होगा सर तो टेम्युल्ट कैसे याद करेंगे, तो आपको पता होगा दोस्तों जब पांडा हारमोनियम बजाएगा तो कोई सुरताल थोड़ी रहेगा, सारे गाँव में पा नहीं रहेगा, पा सात आ कुछ भी बजा देगा, तो मतलब उल्टा फुलटा बजाएगा, मतलब तुम प्लस उल्ट, मतलब तुम उल्टा फुलटा बजा रहे हो, तुम प्लस उलट, तुम उल्टा पुल्टा बजा रहे हो, तभी हो जाएगा वो सिनोनिम्स किसका हो जाएगा, जो आपका पैंडोनियम जो है, पैंडोनियम मतलब पांडा हारमोनियम बजा रहा है तो क्या उल्टा पुल्टा बजा रहा है, तुम उल्ट, ठीक है, टुम उल्ट चौस, या तो वाइल्ड एंड नॉइजी, वाइल्ड तो होगा ही, वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर जब होता है, या तो अपरोर या बेडलम, बेडलम को कैसे होता है आपको उच्चारण देखिए, बदनाम की तरह हो रहा है, मतलब जब डिसऑर्डर फैल जाता है, अशांति अराजकता फैल जाती है तो चारों तरफ बदनाम हो जाता है वो जगह, ठीक है। अगर पांडा हारमोनियम बजाता है तो वहाँ पर कोई बैठेगा, कोई सुनेगा क्या, वो जगह पे भगदड़ सी मच जाएगी, कोई इधर भागेगा उधर भागेगा, कोई सुनेगा नहीं, कुछ भी नहीं, अशांति फैल जाएगी, तो उसे बदनाम हो जाएगा वो जगह जिसे कहते हैं। तो आप लोग याद कर सकते हैं उसी से बदलम, ठीक है, या टेमल्ट चर्स, ये होते हैं सारे पैंडेमोनियम के, पैंडोमोनियम या जिसका उच्चारण होगा क्या, पैंडोनियम, ठीक है दोस्तों।
तो बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कहा कि सर इतने थोड़ा सा लंबा हो जाता है, 20 मिनट का होता है, उसमें मात्र हम लोग 10 या 12 ही वर्ड सीख पाते हैं। पर ऐसा नहीं है दोस्तों, आप लोग देखिए पैंडोमोनियम का आप लोग क्या सीख रहे हैं। पैंडोनियम मतलब क्या, अराजकता है, उसके साथ साथ टेम्यूल्ट भी आप लोग सीख रहे हैं, उसके साथ साथ बदलम सीख रहे हैं, अपरोर सीख रहे हैं, चौस सीख रहे हैं, ये सारे वर्ड्स भी तो आप लोग साथ साथ जान रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ इसे भी कनेक्ट कीजिए तो आप लोग देखिए टोटल ओवरऑल आप लोग कितनी सारी चीजें सीख पा रहे हैं एक साथ, ठीक है। तो उसके विपरीत अगर इंसान बजाता है तो क्या होगा, शांति होगी, हारमोनी होगी, ठीक है। अगर पांडा हारमोनियम बजाएगा तो अशांति होगी, उसके विपरीत अगर इंसान बजाता है तो हारमोनी होगी, शांति होगी, इधर क्या होगा, ऑर्डर होगा या कामनेश होगा, कामनेश मतलब शांति चारों तरफ होगी, इधर अशांति होगी पांडा बजाने से, ठीक है। पैंडेमोनियम या तो पैंडोनियम, ठीक है, पैंडोनियम अगर होगा तो अशांति होगी, टैमोल्ज होगा मतलब तुम उल्टा पुल्टा बजा रहे हो, या बदनाम होगा, या मतलब क्या होगा कि बदनाम होगा वो जगह, अपरोर होगा, नॉइजी डिसऑर्डर होगा अगर पांडा हारमोनियम बजाएगा तो, ठीक है। पांडा अगर हारमोनियम बजाता है तो जैसे ही, तो आप लोग सुनिए, पांडा हारमोनियम बजा रहा है मतलब क्या है, अशांति है उस जगह पे, ठीक है, उस जगह पे अराजकता है, उस जगह पे विप्लव है या डिसऑर्डर है या तो चौस है, ठीक है, आप लोग तुरंत दिमाग पे आ जाएगा। उसके कारण से क्या होगा, वो जगह बदनाम हो जाएगा या तो बदलम होगा, वह उल्टा पुल्टा बजाएगा तो तुम उल्टा पुल्टा बजा रहे हो तो मोल्ट हो जाएगा, ठीक है, या अपरोर होगा, अपरोड जिसे कहते हैं, अपरोड, ठीक है। और उसके विपरीत क्या होगा, शांति होगी, ऑर्डर होगा या कामनेश होगा, ठीक है, उसके एंटोनिम्स। चलिए एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जांपल देखते हैं, इन ए रॉक कंसर्ट द पैंडोमोनियम, ठीक है, तो या तो जिसे कहते हैं पैंडोनियम, पैंडोनियम फेडेड एज द म्यूजिक क्रियो लाउडर। जैसे कि आप लोगों को पता होगा दोस्तों, अगर बहुत ज़्यादा किसी म्यूजिक को लाउड कर दिया जाए तो उसके सुर ताल हमें कुछ पता नहीं चलते हैं, बस म्यूजिक के बीट ही पता चलते हैं, ठीक है, तो जो म्यूजिक का मजा है वो खत्म हो जाता है, अशांति फैल जाती है चारों तरफ, जो पॉल्यूशन हो जाता है जिसे कहते हैं कि डिसऑर्डर हो जाते हैं, नॉइजी साउंड निकलने लगता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, पैंडोनियम, ठीक है। तो रॉक कंसर्ट में क्या हुआ, म्यूजिक का जो है बहुत ज़्यादा साउंड लाउडर कर दिया गया, इसके कारण क्या हुआ, रॉक कंसर्ट क्या हो जाएगा, क्या हो गया, रॉक कंसर्ट पैंडोनियम हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द फैन ऑफ नेटिव टीम क्रिएट्स पैंडोनियम फॉर ऑलमोस्ट 20 मिनट। आप लोगों को पता होगा कि जिसके सपोर्टर होते हैं जिस टीम के, वो टीम अगर उधरती है, चाहे फुटबॉल या क्रिकेट का, आप लोग अगर स्टेडियम में गए होंगे तो पता होगा क्या होता है, उसकी टीम इतनी ज़्यादा नॉइज करते हैं कि बहुत ज़्यादा नॉइज होता है स्टेडियम में, चाहे कोई भी खेल के मैदान में, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, अराजकता ऐसी हो जाती है, बहुत सारा अशांति या बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, नॉइजी उस क्राउडेड हो जाता है, ठीक है, क्राउड या नॉइजेज हो जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पैंडोनियम हो जाता है, या तो पैंडेमोनियम जिसे कहते हैं, पांडा हारमोनियम बजाने लगता है ऐसा लगता है, ठीक है, तो मतलब अशांति या अराजकता या विप्लव फैल जाता है उस जगह पे। क्या हो गया, नेटिव टीम अपना जो है टीम पहुँचने पे फैंस क्या हो गया, 20 मिनट तक चिल्लाते रह गए। तो दोस्तों आप लोगों ने एशिया का पान भी खा लिया, फिर हारमोनियम भी सुन लिया पांडा का, उसके बाद अभी तो पार्टी शुरू हुई है बाकी है, ठीक है। अगला जो है आप लोग देख पा रहे होंगे क्या है, ओवर बेयरिंग, ठीक है, ओवर बेयरिंग, तो आप लोगों का दिमाग में आएगा सर ये कैसे याद करें, बस इसमें कुछ नहीं, पार्टी शुरू करनी है बस, और कुछ भी नहीं करना है आपको, ओवर बियर, इसमें तो आप लोग माहिर होंगे, ठीक है, सॉरी दोस्तों, ठीक है, ओवर बियर बस याद रखिए, ओवर बियरिंग जब भी आता है ओवर बियर, तो ओवर बियरिंग को कैसे डिवाइड करना है, ओवर प्लस बियरिंग, जब बियर पीते हैं और ओवर हो जाता है तो उस वक्त का तो आप लोग को अंदाजा होगा ही क्या हालत होती है, ठीक है, बियर पीते हैं ओवर हो जाता है मतलब जितनी आपकी लिमिट है उससे ज़्यादा दारू पी ली, ठीक है, मिले दोस्त, मिले पार्टी साटी हुई पी ली, ठीक है, तो क्या होता है बहुत ज़्यादा ओवर दारू पीने के बाद, फिर तो दुनिया में जो है वो हम ही हैं, ठीक है, मेरे सिवा तो और कोई नहीं है, क्या होता है ओवर बियरिंग, इंसान बॉस बन जाता है, ठीक है, मतलब दुनिया उसके अंडर में हो जाती है, उसके बाद तो लगता है कि पूरे वर्ल्ड का राजा वही है, डिक्टेटरल रूडली एरोगेंट हो जाता है और रोबदार हो जाता है, आप लोगों को पता ही होगा, सब दुख दर्द सब कुछ खत्म हो जाता है, लगता है वही राजा है दुनिया का, राजा बन जाता है उसके बाद, ठीक है, कोई भी बात करे कौन है, कोई भी नहीं है उसके सामने तो, ठीक है, ऐसे बिहेवियर करने लगता है, तो क्या होता है ओवर बियरिंग, जब ज़्यादा बियर चढ़ जाती है उस वक्त क्या होता है, क्या बन जाता है, बॉशी मतलब बॉस, वर्ल्ड का बॉस, उसके बाद तो कोई भी नहीं है, उसके बाद तो चम के अपने बॉस को गाली देता है, जो ऑफिस के बॉस हैं, ठीक है, जो भी है, चलिए ठीक है दोस्तों,
बाकी डिक्टेटर बन जाता है, लीडर, ठीक है, रूडली बिहेवियर करने लगता है और एरोगेंट हो जाता है और अल्टीमेटली आके घर पे झगड़ा करता है, ठीक है। तो ओवर बियरिंग जब भी आए तो आप लोग डिवाइड कर दीजिएगा, ओवर प्लस बियरिंग, मतलब ज़्यादा बियर चढ़ने से क्या होती है, तो क्या हो जाता है, इंसान बॉसी, डिक्टेटोरियल, रूडली या एरोगेंट हो जाता है। आप लोग रिजल्ट पे डायरेक्ट चले जाइएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा तुरंत, ठीक है। तो इसके कीवर्ड बस याद रखने हैं आपको, ओवर बियरिंग जब भी आती है तो ओवर प्लस बियर, ठीक है, ओवर प्लस बियर, आप लोगों को ये याद आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा बियर पीने से क्या होता है, इंसान बॉशी, डिक्टेटोरियल या तो रूडली या एरोगेंट हो जाता है या रौबदार हो जाता है। तो आप लोग ओवर बियर का नतीजा देख पा रहे होंगे दोस्तों, ठीक है। तो सिनोनिम्स चलिए देख लेते हैं उसके जुड़े हुए कुछ सिनोनिम्स, ठीक है। ओवर बियरिंग मतलब क्या होता है, डोमिनेटिंग, ठीक है, डोमिनेटिंग मतलब डोमिनेटिंग से आप लोग डोमिनेटिंग याद रख सकते हैं। ज़्यादा बियर पीने से क्या होता है, इंसान डोमिनेटिंग होने लगता है, दूसरे पे डोमिनेट करने की कोशिश करने लगता है, ठीक है। ऑथोरिटेरियन, इसका अर्थ क्या होता है कि पूरा ऑथोरिटी जो है अपने पास रखने की कोशिश करता है, उसे लगता है कि सारी ऑथोरिटी जो है, सारे पावर जो है उसी के पास है, डोमिनेटिंग या ऑथोरिटेरियन आप लोग याद कर सकते हैं। ऑथोरिटी से अलग कर दीजिएगा, सारी ऑथोरिटी जो है उसी के पास हो जाती है, ऐसा लगता है, ऑथोरिटेरियन, ठीक है। या डोमिनेटिंग से याद कर सकते हैं, डोमिनेटिंग हो जाता है वो पर्सन बियर पीने के बाद, ठीक है। तो याद कर सकते हैं ओवर बियरिंग का अर्थ क्या होता है, ओवर बियरिंग जब भी आएगा तो ओवर प्लस बियर, बियर ज्यादा होने पे इंसान क्या हो जाता है, बॉशी हो जाता है, डिक्टेटोरियल, रूडली हो जाता है और खुद को जो होता है डोमिनेटिंग या तो ऑथोरिटेरियन मानने लगता है, ठीक है। इसके विपरीत क्या होता है, जब सुबह बियर उतरती है तो पता चलता है मैंने रात को क्या किया था, तो इंसान बहुत ज़्यादा जेंटल हो जाता है, हम्बल हो जाता है और लीनिएंट हो जाता है। लीनिएंट मतलब क्या होता है, सीधा हो जाता है, उसे लगता है कि रात में जो किया था अभी अगर अच्छे से ना रहे तब तो गाली सुनने मिलेगी, तब उसे लगता है कि रात में मैंने कुछ किया ही नहीं, ऐसा लगता है उस वक्त, ऐसा बिहेव करता है, ठीक है आप लोगों ने, ठीक है। तो जेंटल हो जाता है, ठीक है, हम्बल हो जाता है और लीनिएंट हो जाता है, इसका अर्थात क्या होता है, बहुत शरीफ बन जाता है, ठीक है। ये डोमिनेटिंग होते हैं पीने के बाद, और जब नहीं पीने के बाद वे उतर जाती है, उसके बाद क्या हालत होती है, जेंटल, हम्बल या लीनिएंट हो जाता है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों कि पीने के बाद ऐसे हो गए और उसके बाद गाड़ी चलाने लगे, तो जैसे ही पुलिस ने पकड़ा उस समय क्या हो गया, हम्बल मतलब जेंटल, हम्बल और लीनिएंट ऐसा शो करने लगे कि मैंने तो पिया ही नहीं है, मेरे से शरीफ कोई है ही नहीं, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस आप लोग अब खुद भी देख सकते हैं। जैसे ही आएगा आप लोग ओवर बियरिंग, बस आप लोग याद रखिएगा ओवर प्लस बियर, बियर ज़्यादा होने पे क्या होता है इंसान का हालत, ठीक है। उसका सिनोनिम्स आप लोग देख लीजिएगा, डोमिनेटिंग और ऑथोरिटेरियन, ठीक है दोस्तों। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ये स्पोक्स इन ए ओवरवेयरिंग मैनर, आप लोगों को पता है दोस्तों वो कैसे बात कर रहा है, बहुत डोमिनेटिंग तरीके से, बहुत बॉसिक तरीके से वो बात कर रहा है, ठीक है। स्पोक्स इन ए ओवरवेयरिंग मैनर मतलब पीने के बाद इंसान कैसे बात करता है, जैसे कि वही सब कुछ है, ठीक है, बाकी दुनिया में कोई कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ही स्पोक्स इन ए ओवरवेयरिंग मैनर। अगला देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको इस एग्जाम्पल पढ़ने के बाद, कि ही प्रूव टू बी एन ओवरबियरिंग फादर, उसने प्रूव कर दिया कि वो एक ओवरबियरिंग फादर है, मतलब डोमिनेटिंग फादर है। वो नेवर लेट हिज चिल्ड्रन प्ले विद देयर फ्रेंड्स, जो कि कभी भी अपने बच्चों को जो है उनके दोस्तों के साथ खेलने का परमिशन नहीं देता है, उस तरह के फादर को जो कहते हैं ओवरबियरिंग फादर कहते हैं, मतलब डोमिनेटिंग या तो बॉसी टाइप के फादर या तो डिक्टेटोरियल जो फादर कहे जाते हैं उस तरह के फादर, ठीक है। चले दोस्तों अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड जो है वो है ऑप्युलेंट, ऑप्युलेंट उच्चारण कैसे होगा, ऑप्युलेंट, ठीक है। तो ऑप्युलेंट को कैसे याद करना है आप लोगों को, ऑप्युलेंट जब भी आता है तो आप लोगों की एक दिमाग में रखना चाहिए, ठीक है। ऑप्युलेंट का की क्या होगा, ऑपल ऑन द टेंट, ऑपल का अर्थ आप लोगों को पता है दोस्तों, ऑपल क्या है, एक बहुत ही बेसकीमती पत्थर होता है ऑप्युलेंट, ठीक है। ऑपल होता है बहुत ही बेसकीमती पत्थर, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं बहुत ही कीमती पत्थर होता है ऑपल, ठीक है। तो अगर कोई अपने टेंट में, अपने टेंट में अगर ऑपल लगाता है, देखिए जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये देखिए टेंट है, टेंट में उसने ऑपल पत्थर लगा रखा है, तो ऑपल ऑन द टेंट, ठीक है। ऑपलंच जब भी ये आता है तो ऑपलंच आप लोग याद रखिए, ये देखिए ऑपल पत्थर है, बहुत ही बेसकीमती पत्थर है। अगर कोई पर्सन अपने टेंट के अंदर अगर वो, ये देखिए टेंट के, टेंट में भी अगर वो अपना ऑपल पत्थर लगा रखा है, तो आप लोग सोच सकते हैं कि वो कितना रिच होगा। तो ऑपलेंट जब भी आता है आप लोग सोच रहे ऑपल ऑन द टेंट, ऑपल ऑन द टेंट, ऑपलेंट जब भी आता है तो आप लोग ये आना चाहिए ऑपल ऑन द टेंट। ये बस याद रखिए कि ऑपलेंट मतलब ऑपल ऑन द टेंट, मतलब वेरी रिच, बहुत ही धनी व्यक्ति होगा।
तभी, नहीं तो इंसान एक छोटा पत्थर जो है अपने अंगूठी में नहीं लगा सकता है, तो टेंट में क्या पत्थर लगाएगा। तो ऑपुलेंट आता है मतलब बहुत ही रईस, बहुत ही धनी व्यक्ति जो होगा वही तो अपने ऑपल ऑन द टेंट, टेंट में तब भी तो अपना टेंट के अंदर, टेंट के में तभी तो अपना ऑपल पत्थर लगाएगा। वेरी रिच वेल्दी एफुलेंट, या तो जिसे कहते हैं एफुलेंट, या तो लेविस, लेविस मतलब क्या होता है बहुत ज्यादा धनी, या तो खर्चा करने वाला जो उसे लेविस कहा जाता है, ठीक है, उसे धनी व्यक्ति जो होता है बहुत ज्यादा उसे ही ऑपुलेंट कहते हैं। तो जब भी ऑपुलेंट आता है आप लोग याद रखिए ऑपल यहाँ पे अलग कर दीजिए, ऑपल ऑन द टेंट, ऑपलेंट, ऑपुलेंट, ऑपुलेंट, ऑपल ऑन द टेंट, जिसके टेंट में ऑपल लगा हो। ऑपल एक बहुत महंगा पत्थर है, ठीक है, इतना महंगा पत्थर अगर किसी के टेंट में लगा हो तो वो बहुत धनी व्यक्ति होता है, बहुत रिच होता है, बहुत वेल्दी पर्सन होता है, बहुत एफ्लुएंट होता है। तो एफ्लुएंट आप लोग याद कर सकते हैं मतलब जो फ्लुएंटली पैसे खर्च करता है, जो कि फ्लुएंटली पैसे उड़ा सकता है उसे एफ्लुएंट कहते हैं, या तो वेल्दी पर्सन होता है। कौन पैसे खर्चा कर सकता है, इसके पास हो तभी तो, जिसके पास ना हो उसे चाय पीने तक के पैसे नहीं होते हैं, वो क्या करेगा, ठीक है। तो एफ्लुएंट वही होगा जो ऑपुलेंट होगा, मतलब बहुत ज्यादा रिच होगा, वो धनी होगा, वही तो एफ्लुएंट। फ्लुएंटली क्या होगा, पैसा खर्चा करेगा, वही ऑपुलेंट होगा जो कि अपने टेंट में ऑपल लगा पाएगा। और लेविश होगा जिसको बहुत ज्यादा लाभ होगा, वही तो धनी होगा। लेविश, लेविश मतलब बहुत ज्यादा लाभ, लेविस को आप लोग लाभ से याद कर सकते हैं, लेविस मतलब बहुत ज्यादा खर्चीला होता है, लेविस का मतलब, ठीक है। तो लेविस, लेविस को आप लोग लाभ से याद कर सकते हैं, लेविस, लेविस मतलब लाभ, लाविश, देखिए लेविस मतलब लाभ, लाभ मतलब होता है प्रॉफिट, आपको पता है, जिसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा वही तो बहुत ज्यादा धनी होगा, वही फ्लुएंटली का वैसा खर्चा कर पाएगा, वही तो एफ्लुएंट होगा, और वही पर्सन जो है वो ऑपल जो है अपने टेंट पे लगा पाएगा। तो वही पर्सन जो होगा बहुत रिच होगा या तो वेल्दी होगा, तभी तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा तो लेविस हो जाएगा, ठीक है, इससे लाभ होगा, बहुत प्रॉफिट होगा, तो वो क्या करेगा, फ्लुएंटली पैसा खर्चा करने लगेगा तो वो एफ्लुएंट हो जाएगा। और बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करने वाला व्यक्ति ही तो टेंट के अंदर जो है वो क्या लगाएगा, ऑपल पत्थर लगाएगा, तभी वो ऑपुलेंट होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को तो ये थ्री इडियट्स का ये सीन याद ही होगा, जब क्या है वो करीना कपूर उनकी वॉच जो है गुम कर देती है, तो क्या कहती है, यू लॉस्ट ए 70s वॉच, 2 लाख की थी, ठीक है, मतलब आप लोगों ने, तुमने मेरी जो है बहुत ही महंगी जो है या तो वैभवशाली जो वॉच था वो गुम कर दिया, ठीक है। आप लोग इसे याद कर सकते हैं, 70s मतलब बहुत कीमती जो होता है उसे को कहते हैं 70s, ठीक है, तो इससे याद कर लीजिएगा आप लोग, जिसे कोरिलेट कर से आप लोग याद कर सकते हैं 70s, ठीक है, सेम्पोटियस, ठीक है, सेम्पोटियस, ठीक है, देखिए सेम्पोटियस, सेम्पोटियस मतलब बहुत ही, सेम्पोटियस मतलब इम्पोर्टेड, आप लोग इसे मतलब कोरिलेट कर सकते हैं, सेम्पोटियस मतलब इम्पोर्टेड वॉच, मतलब आप लोग इसे कोरिलेट याद कर सकते हैं, कैसे याद कीजिएगा, सेम्पोटियस मतलब इम्पोर्टेड वर्ड आ रहा है, देखिए बार बार के सेम्पोटियस मतलब इम्पोर्टेड, इम्पोर्टेड मतलब बहुत महंगी घड़ी थी, ठीक है, बहुत महंगी घड़ी मतलब बहुत ही जिसे कहते हैं कीमती चीज, ठीक है, उसे याद कर सकते हैं आप लोग, जैसे लग्जरियस भी कहते हैं, ग्रैंड या डिलक्स कहते हैं, डिलक्स मतलब आप लोगों ने डिलक्स बस तो पढ़ाई होगा कि डिलक्स बस मतलब बहुत लग्जरियस जिसे कहते हैं, बहुत महंगी या तो कीमती जिसे कहते हैं, वैभवशाली चीजें जो होती है उसे ही धनी, ठीक है, उसे कोरिलेट कर सकते हैं। ऑपुलेंट, सारी उसका मेन क्या था, ऑपुलेंट मतलब जो टेंट में अपने ऑपल पत्थर लगाता हो, ठीक है, उसके ऑपोजिट क्या हो जाएगा, पुअर बहुत बहुत गरीब, ठीक है, या तो पेन्यूर, पेन्यूर मतलब पेन्यूर वर्ड आया है आपको जो पैनी से, पैनी मतलब इसे कहते हैं कि बहुत छोटा अमाउंट को पैनी कहा जाता है, पेन्यूर मतलब जिसके पास एक पैनी भी ना हो वो बहुत गरीब होता है, पेन्यूर आप लोग उसे याद कर सकते हैं, ठीक है, पेन्यूर, पैनी से आप लोग याद कर सकते हैं, पेन्यूर, पैनी मतलब बहुत छोटा अमाउंट जिसे कहते हैं, ठीक है, पेन्यूर मतलब जिसे कि इंडिया में एक पैसा कहा जाता है, कि मेरे पास एक पैसा भी नहीं है उसे कहते हैं पेनियर, मतलब उसे फॉरेन लैंग्वेज में जो पैनी कहा जाता है, ठीक है, बहुत पेनियर मतलब बहुत ही छोटा, मतलब बहुत गरीब व्यक्ति, जो पुअर व्यक्ति, उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ऑपुलेंट, ऑपुलेंट को आप लोग याद करने के मैंने बताया दोस्तों, ऑपुलेंट मतलब जो बहुत धनी व्यक्ति हो जाता है, ठीक है, ऑपुलेंट के कैसे याद कर सकते हैं, ऑपल ऑन द टेंट, जिसके टेंट पे ऑपल लगा हो, पत्थर लगा हो, बहुत धनी या लेविस व्यक्ति होता है, ठीक है। चलिए आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर करने की कोशिश करता हूं मैं। मोस्ट ऑफ द पीपल हैव ए एम्बिशन ऑफ लिविंग ए वेरी ऑपुलेंट लाइफस्टाइल, ये तो एकदम सच है कि मैक्सिमम जो लोग हैं उन्हें जो है एम्बिशन रहता है या उनकी ख्वाहिश रहती है कि वो एक ऑपुलेंट, ये ऑपल ऑन द टेंट मतलब बहुत ही वैभवशाली या तो बहुत लेविस या तो बहुत एफुलेंट लाइफस्टाइल लीड करे,
ठीक है, मतलब बहुत रिच जो होते हैं उस तरह के, बहुत धनी व्यक्ति की जो लाइफ स्टाइल है, या तो इसे कहते हैं मुकेश अंबानी की लाइफ स्टाइल, रतन टाटा की लाइफ स्टाइल लीड करें, एफ्लुएंट या तो ऑपुलेंट लाइफ स्टाइल लीड करें। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला वर्ड देखते हैं। अगला जो वर्ड है वो है लैक्रिमोस। लैक्रिमोस उच्चारण देखिए इसका, लैक्रिमोस। ठीक है, लैक्रिमोस उसका अगला वर्ड है। कैसे याद कर सकते हैं, चलिए कीवर्ड की तरफ देखते हैं। बस आपको कीवर्ड पे ध्यान रखना है दोस्तों। आपको करना क्या है कि आप लोग एक कॉपी लीजिए, वहां पे बस आप कीवर्ड नोट करते जाइए, और बस कीवर्ड नोट करिएगा, आप लोग दो तीन बार रिवाइज करिएगा, जिंदगी भर के लिए आप लोग कभी भूल नहीं सकते, मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों। बस आपको क्या करना है, कॉपी में कीवर्ड नोट करना है और दो तीन बार देख लेना है, बस कभी भूल ही नहीं सकते हैं आप लोग, तुरंत आपके दिमाग में ये सारी चीजें आ जाएगी। तो अगला जो वर्ड है वो लैक्रिमोस, कैसे याद कर सकते हैं आप लोग इसको, इसको आप लोग ब्रेक कीजिए, लैक क्राई मोस्ट। देखिए लैक प्लस क्राई प्लस मोस्ट इक्वल टू लैक्रिमोस कह सकते हैं आप लोग, लैक्रिमोस, लैक प्लस क्राई प्लस मोस्ट लैक्रिमोस। देखिए लैक प्लस क्राई प्लस मोस्ट, एल ए सी, लैक क्राई और मोस्ट लैक्रिमोस, मतलब लैक क्राई मोस्ट। तो आप लोग को क्या बता सकता हूँ लैक्रिमोस से क्या हो सकता है, बस इतना याद रखिए कीवर्ड लैक्रिमोस, लैक्रिमोस का लैक प्लस क्राई प्लस मोस्ट। तो ये देखिए दोस्तों, ये है लैक्रिमोस, लैक क्राई मोस्ट लैक्रिमोस। इसका अर्थ क्या होता है, जिस पर्सन की लाइफ में जो है जो सुख की कमी हो जाती है जिसे, ठीक है, वो या तो प्यार की कमी हो जाती है जिसके लाइफ में, जिन्होंने झेला होगा उन्हें पता है दोस्तों, जिनके लाइफ में प्यार की कमी हो जाती है वो क्या करते हैं, मोस्टली टाइम जो होते हैं रोते रहते हैं। ठीक है, लैक मतलब कमी हो जाती है, जब भी कमी होगा प्यार का तो क्राई मोस्ट, मोस्टली जो है लोग या तो मोस्टली जो पर्सन है वो रोते रहते हैं, लैक क्राई मोस्ट, मतलब वो पर्सन आप लोग कह सकते हैं इज लैक्रिमोस्ट, मतलब उसके लाइफ में प्यार की कमी हो गई है किसी कारण से, पैसे की कमी के कारण हो, पारिवारिक कमी के कारण हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कुछ भी हो, किसी भी कारण से, किसी भी थिंग्स का अभाव होने से जो होता है इंसान रोने लगता है, मोस्टली लोग रोने लगते हैं किसी भी थिंग्स के अभाव होने के कारण, चाहे पैसे की हो, चाहे प्यार का हो, चाहे लाइफ के किसी सुख का हो या कि हेल्थ का हो, किसी भी चीज़ की अगर लैक होता है तो मोस्टली पर्सन क्या होते हैं, रोने लगते हैं। बस इतना याद रखिए, लैक होने पे मोस्ट पर्सन रोने लगते हैं, लैक क्राई मोस्ट, लैक्रिमोस, इससे आप लोग याद कर सकते हैं इस तरह, लैक्रिमोस, लैक्रिमोस का मतलब यहाँ देखिए लैक्रिमोस, मतलब लैक होने पे, कमी होने पे मोस्टली लोग रोने लगते हैं, ठीक है, या दुखी हो जाते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा दोस्तों, लैक्रिमोस मतलब टीयरफुल या सैड। देखिए जैसे ही किसी इंसान को किसी चीज की अभाव होता है, लैक्रिमोस, लैक क्राई मोस्ट, मोस्टली पर्सन किसी भी चीज का लैक होने पे या कमी होने पे रोने लगते हैं, सैड हो जाते हैं या टीयरफुल हो जाते हैं। तो लैक्रिमोस का अर्थ क्या होगा, रोना, टीयरफुल या सैड। ठीक है, टीयरफुल मतलब जिसे आंसू निकल आते हैं, जिसे आंसू निकल रहे हैं देख लिया आप, तो गरीबी से किसी इंसान का, गरीबी मतलब भूख लगता है, मतलब उसके पास भोजन का अभाव हो गया, तो किसी भी चीज के अभाव होने पर इंसान रोने लगता है। तो लैक क्राई मोस्ट मतलब मोस्टली पर्सन जो है किसी भी थिंग्स के अभाव होते हैं रोते हैं। बस इतना याद रखिए, लैक्रिमोस मतलब याद रखिएगा लैक क्राई मोस्ट, ठीक है, मतलब जो होता है टीयरफुल या सैड। चलिए इसका सिनोनिम्स देख लेते हैं दोस्तों। वीपी मतलब जैसे ही रोते हैं, वीप मतलब क्या होता है, रोना होता है, आप लोग पता हो दोस्तों, आंसू निकलना होता है, वीपी, ठीक है, या तो सोरोफुल, सोरो मतलब गम होता है, दुखी हो जाते हैं, या तो डोलफुल, डोल मतलब आप लोग पता है डोलफुल, डोलफुल मतलब दुख। तो जैसे कि इस पे आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, इस लड़के का क्या हुआ है, ब्रेकअप हुआ है। तो ब्रेकअप होने से क्या होता है, जिनका हुआ है वही जान सकते हैं, ब्रेकअप होने से इंसान को दुनिया की कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है, उनको लगता है दुनिया में सारा कुछ ख़त्म हो गया। उस वक्त उनसे कोई भी चीज़, दुनिया की कितने भी महंगे से महंगी चीज़ उनके सामने रख दीजिए, उनके लिए बेकार हो जाती है। तो उस वक्त क्या होता है, उनके लाइफ में प्यार का अभाव हो जाता है, इसलिए वो डोलफुल हो जाते हैं। तो डोलफुल मतलब क्या होता है, शोकाग्रस्त या दुखद जो पर्सन होता है। वेन एवर ए गर्ल्स सीट, ठीक है, लो डोलफुल, ठीक है, देखिए डोलफुल मतलब क्या होता है, ये डोलफुल लुक कहा जाता है, मतलब क्या, दुखी, मतलब सोरोफुल। उस वक्त कोई भी पर्सन जो होता है देख के बता सकता है कि इंसान कितना दुखी है, ठीक है। तो जब भी आपका आएगा क्या आएगा दोस्तों, जब भी आपका आएगा लैक्रिमोस, तो आप लोग याद रखिएगा किस तरह से, लैक प्लस क्राई प्लस मोस्ट,
मतलब किसी भी थिंग्स का अभाव हो सकता है, यहाँ पे पैसे का अभाव है, यहाँ पे प्यार का अभाव है, यहाँ पे किसी के पारिवारिक अभाव है, किसी भी पर्सन को किसी हो सकते हैं कि शारीरिक जो है किसी प्रॉब्लम हो किसी तरह के। तो जब भी अभाव होता है तो इंसान रोने लगता है, लैक क्राई मोस्ट, ठीक है। तो लैक क्राई मोस्ट जैसे ही होगा आप लोग याद कर लिएगा, तो क्या होगा, वीपी मतलब जो आंसू निकलते हैं, सोरोफुल या डोलफुल, डोलफुल मतलब डोलफुल। तो डोलफुल को आप लोग कैसे याद रखते हैं दोस्तों, डोल मतलब क्या होता है, डोल मतलब तो एक तो गुड़िया होता है, और डोल मतलब जो बेंगलुरु में अगर डोल कहा जाए तो क्या होता है, डोल डोल मतलब बाल्टी होता है। तो जब भी इंसान दुखी होता है तो बाल्टी भर भर के रोने लगता है, तो डोलफुल मतलब क्या है, डोल मतलब बाल्टी, डोलफुल मतलब बाल्टी भर भर के रोना, ठीक है। तो बहुत दुखी होना, जब परेशान दुखी होगा तभी तो रोएगा, ठीक है, मतलब टीयरफुल या सैडनेस जिसे कहते हैं। उसके ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इंसान जब खुश रहता है, जब उसके लाइफ में सारा कुछ रहता है तो उस वक्त क्या होता है, जॉयफुल होता है या तो चीयरफुल होता है। उस वक्त दुनिया में उसके किसी चीज़ का अभाव नहीं होता है, मतलब अर्थात अगर उसके साथ गर्लफ्रेंड है, बाइक के पीछे बैठी है, या बॉयफ्रेंड है उसके साथ घूम रहा है फिर रहा है, तो उसके लाइफ का सबसे अच्छा पल है वो, उस पल को क्या कहते हैं, जॉयफुल या तो चीयरफुल, ठीक है दोस्तों। और जब उसका ऑपोजिट जब ब्रेकअप हो गया तो दुनिया में वो सबसे डोलफुल पर्सन हो गया, ठीक है, सबसे दुखी पर्सन हो गया, वीपी हो गया, सोरोफुल पर्सन हो गया, और लैक्रिमोज हो गया, ठीक है, मतलब आंख से आंसू बहाने लगा। इस वक्त ऐसे ऐसे हालत हो जाती है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू और थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करता हूँ मैं। आई वेप्ट आफ्टर लिसनिंग टू ए लैक्रिमोज टेल, अर्थात क्या है, वो दुखद जो है स्टोरी सुनने के बाद मैं रोने लगा, ठीक है। आई वेप्ट आफ्टर लिसनिंग टू ए लैक्रिमोज टेल। अगला देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, लैक्रिमोज का अर्थ क्या हो गया यहाँ पे, बहुत दुखद या सैड या तो टीयरफुल जो है वो स्टोरी। अगला जो है, लैक्रिमोज पिक्चर ऑफ चिल्ड्रेन अफेक्टेड बाय फैमिन्स इन अफ्रीका वेयर यूज टू कलेक्ट डोनेशन, मतलब क्या होता है, ये देखिए अफ्रीका के जो बच्चे हैं, आप लोगों ने बहुत सारा पिक्चर देखा तो उसको क्या बोल रहा है, जैसे कि आप लोग इसमें देख पा रहे हैं, हमेशा क्या होता है, लोग क्या बहुत सारी जो स्वयंसेवक संस्थान होती है या बहुत होते हैं, वो लोग अफ्रीका के ऐसे बच्चों की तस्वीर दिखा के लोगों से जो है कलेक्ट करते हैं डोनेशन, ठीक है। ये देखिए लैक्रिमोज पिक्चर, मतलब बहुत टीयरफुल, ये देखिए हड्डियां निकल आई है इन बच्चों की, बहुत ही खराब स्थिति है, आंखों से आंसू निकाल देने वाला ऐसा तस्वीर है ये। आप लोग थोड़ा सा मैं बड़ा करके दिखाता हूँ आप लोगों को, तब आप लोगों को डिटेल क्लियर होगा। देखिए दोस्तों किस तरह स्थिति है बच्चों की, ठीक है, ये लोग खाना नहीं मिलता, इन लोगों की स्थिति देखिए, हाथ पैर देखिए तो किस तरह से हो गया है। तो ये क्या एक लैक्रिमोज पिक्चर है ऑफ चिल्ड्रन अफेक्टेड बाय फैमिन्स इन अफ्रीका वेयर यूज्ड टू कलेक्ट डोनेशन, ठीक है, डोनेशन कलेक्ट करने के लिए ऐसे पिक्चर्स जो हैं जो दुखग्रस्त बच्चों की, ठीक है। फैमिन्स, फैमिन मतलब क्या होता है दोस्तों, अकाल, अकाल पड़ना मतलब सारे फूड्स खत्म हो जाना, तो अकाल के पिक्चर जो है अफ्रीकन बच्चों का दिखाकर लोग डोनेशन लेते हैं, लैक्रिमोज पिक्चर्स, इस तरह के पिक्चर्स को लैक्रिमोज जो कहते हैं, लैक क्राई मोस्ट, इनको क्या है, फूड का अभाव है, ठीक है, इस कारण से ये रो रहे हैं। तो जब भी लैक्रिमोज आए आप लोग कीवर्ड याद रखिए, लैक प्लस क्राई प्लस मोस्ट। तो दोस्तों अभी तक जो जो मैंने पढ़ा थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ आपको, फिर आगे बढ़ते हैं क्योंकि आप लोग भूल जाइएगा। सबसे पहले पढ़े थे पानेशिया, क्या याद रखना आप लोगों को, इसका कीवर्ड क्या था, पान एशिया, एशिया का पान, एशिया का पान ऐसा होता है, इसे खाते ही आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, अर्थात वो एक रामबान था, ठीक है, सारे दुख का रेमेडी फॉर ऑल प्रॉब्लम्स, पानेशिया, पान प्लस एशिया इसका कीवर्ड था, पहला जो था आप लोग पढ़े थे पानेशिया, ठीक है। उसके बाद जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था पैंडेमोनियम, ठीक है, या तो उसे कहते हैं पैंडोनियम, पैंडोनियम मतलब क्या, पांडा प्लस हारमोनियम, पांडा जब हारमोनियम बजाता है उस वक्त किस तरह के साउंड आते हैं आप लोगों को पता होगा, वो क्या था, विप्लव या अराजकता, बहुत नॉइजी साउंड जो फैलता था पांडा हारमोनियम बजाने से, पैंडोनियम, ठीक है, पैंडोनियम पांडा प्लस हारमोनियम आपको याद रखना था कीवर्ड उसके लिए, ठीक है। उसके बाद जो था वो था ओवरवेयरिंग, ओवरवेयरिंग आपको बताने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों, आप लोगों को याद हो गया होगा ओवरवेयरिंग का अर्थ क्या था, ओवरवेयर जब बहुत ज़्यादा बियर पी लेते हैं लोग किस तरह से हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जो होते हैं डोमिनेटिंग या तो ऑथोरिटेरियन हो जाते हैं, बहुत रौबदार हो जाते हैं, जिसे कहा जाता है डॉक्टर, जिसे डिक्टेटोरियल हो जाते हैं या रूडली हो जाते हैं या बॉसी बिहेवियर करने लगते हैं, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्या था, ऑपुलेंट, आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑपुलेंट। ऑपुलेंट का अर्थ क्या मैंने बताया दोस्तों, आपको याद रखना है ऑपल ऑन द टेंट, मतलब जो ऑपल जो पत्थर है बहुत कीमती पत्थर अपने टेंट में लगा सकता है वो पर्सन क्या हो जाएगा, ऑपल ऑन द टेंट, मतलब वो बहुत रिच व्यक्ति है, बहुत अफ्लुएंट है, मतलब बहुत फ्लुएंटली अपना खर्चा कर सकता है, वो लाविस है, मतलब बहुत ज्यादा लाभ उसको होता है जिसके कारण बहुत फ्लुएंटली वो खर्चा कर सकता है, जिसके कारण क्या है वो ऑपल अपने टेंट में लगा सकता है, अर्थात वो बहुत धनी व्यक्ति है, बहुत वेल्दी व्यक्ति है। नेक्स्ट हम लोग ने क्या पढ़ा, लैक्रिमोस, लैक्रिमोस, लैक्रिमोस का क्या अर्थ है दोस्तों, लैक प्लस क्राई प्लस मोस्ट, जिससे किसी पर्सन को किसी भी थिंग्स का अभाव होने पे मोस्टली जो पर्सन है वो रोने लगते हैं, लैक प्लस क्राई प्लस मोस्ट इक्वल टू लैक्रिमोस। तो लैक्रिमोस का अर्थ क्या था दोस्तों, टीयरफुल या सैड या रोना, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है जॉन्टी, अगला जो है वो दोस्तों जॉन्टी, जॉन्टी आपको क्या क्या याद करना है, जॉन्टी तो बहुत ही ईजी है दोस्तों, इसको करनी है जॉन्टी याद करते हैं, आपको सर इसे कैसे याद करें ये तो बहुत टिपिकल लग रहा है पर ये सबसे आसान है दोस्तों, जॉन्टी, जॉन्टी जैसे ही आपका आता है आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, जो साउथ अफ्रीकन प्लेयर था आप लोग कोई भूल नहीं सकते हैं, जॉन्टी रोड्स। जॉन्टी रोड्स किस लिए, फील्डिंग्स के लिए बहुत फेमस थे आपको पता है, वो ऐसे ऐसे कैच पकड़ते थे वो मिरेकल कैच जो कहा जाता है, उसे मिरेकल पर्सन भी कहा जाता था, देखिए किस तरह से कैच वो पकड़ते थे जॉन्टी रोड्स जो कि साउथ अफ्रीकन प्लेयर थे, ठीक है। तो जॉन्टी जैसे भी आता है इसे याद रखना है आपको जॉन्टी रोड्स के नाम से, जॉन्टी रोड्स, जॉन्टी जैसे ही आता है जॉन्टी रोड्स। तो जॉन्टी रोड्स अपने कैच के लिए जो अपने फील्डिंग्स के लिए फेमस थे, किस लिए फेमस थे, वो बहुत एनर्जेटिक पर्सन थे, बहुत जॉन्टी रोड्स जो थे बहुत एनर्जेटिक थे, बहुत एनर्जेटिक थे, बहुत लाइवली थे और बहुत चेयरफुल पर्सन थे, हमेशा खुश रहते थे। आप लोगों को अगर उसकी ज़िंदगी के बारे में पता होगा तो वो फील्ड में हमेशा खुश रहते थे जिसके कारण बहुत एनर्जेटिक रहते थे वो, और फील्ड के बाहर भी अपने पर्सनल लाइफ में भी वो हमेशा जिंदा दिल रहते थे, बहुत खुश रहते थे। तो जॉन्टी रोड्स, जॉन्टी का जैसे ही आएगा आप लोग जॉन्टी रोड्स याद रखिएगा कि उनकी फील्डिंग जो थी कमाल की थी, बहुत एनर्जेटिक रहते थे, बहुत लाइवली रहते थे, बहुत चेयरफुल रहते थे, वो जिंदा दिल या खुश दिल पर्सन थे जिसे कहते हैं, खुश दिल या जिंदा दिल जिसे कहते हैं जॉन्टी रोड्स। आप लोग याद रखिएगा जॉन्टी जैसे आ गया आप लोग याद रखिए जॉन्टी रोड्स। तो चलिए कुछ सिनोनिम्स देखते हैं इसका, मतलब केयरफ्री, जो पर्सन बहुत चेयरफुल या तो जिंदा दिल होता है वो छोटी छोटी बातों को दिल में नहीं लगाता है, बहुत पर्सन क्या करते हैं कुछ भी कोई बोला वो रात भर दिन भर उसी को सोच रहा है कि वो पर्सन ने उसे क्यों कह दिया, मुझे क्यों कह दिया, तो वो कभी खुश रह नहीं सकता है। तो जो केयरफ्री रहेगा वही तो टेंशन फ्री रहेगा, किसी को केयर नहीं करेगा, बाहर में जाए दुनिया, ठीक है हम खुश रहेंगे अपनी ज़िंदगी में, ठीक है उस वही पर्सन तो एनर्जेटिक रहेगा, लाइवली रहेगा, ठीक है वही पर्सन जॉली रहेगा, जॉली मतलब खुश मिजाज जिसे कहते हैं, या तो जोवियल जिसे कहते हैं, जोवियल। जोवियल को कैसे याद रखता है, जोवियल मतलब जो भी हाल हो हम खुश ही रहेंगे, कुछ भी हाल में किसी भी हाल में उसने फैसला कर लिया है, जोवियल मतलब जो भी हाल हो हम खुश रहेंगे। तो जोवियल का अर्थ क्या होता है, खुश मिजाज, या तो एनर्जेटिक, ठीक है जोवियल मतलब जिसे जॉली पर्सन कहते हैं, जॉली मतलब आपको पता ही होगा बहुत जॉली कहा जाता है ना, यू आर वेरी जॉली पर्सन मतलब बहुत खुशमिजाज पर्सन हो तुम। उसके ऑपोजिट क्या हो जाएगा, रोतलू पर्सन, पता है थोड़ी थोड़ी बातों में रोने लगते हैं, हमेशा सोचते ही रहते हैं दिन रात, उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, मेरी ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, मैं तो कामयाब हो ही नहीं सकता, मेरे एक एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुए पर नेक्स्ट एग्ज़ाम मेरा क्लियर ही नहीं होगा, यही सोचते सोचते वे अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। तो एंटीनोम्स क्या होगा, डिप्रेस्ड सैड या अनहैप्पी पर्सन। उसके ऑपोजिट क्या होते हैं, चलो एक एग्ज़ाम नहीं हुआ था क्या हुआ, नेक्स्ट एग्ज़ाम है मैं इसमें करके दिखाऊंगा, मेरे में एनर्जी है, चलो पीछे का भूल जाओ जो भी है। रोतलू पर्सन क्या कहते हैं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। पर एनर्जेटिक पर्सन क्या है, मुझे प्रेजेंट के बारे में सोचना है, अभी पढ़ना है, बाकी जो भी हो बाहर में जाए, जो भी हाल हो मैं कामयाब होके दिखाऊंगा, जो भी हाल हो किसी भी हाल में मैं एग्ज़ाम क्लियर करके दिखाऊंगा, वो पर्सन होते हैं जोवियल कामयाब पर्सन, जिसे कि जॉन्टी कहते हैं। जॉन्टी रोड्स, कुछ भी हो जाए अच्छा फील्डिंग करके रहना है और अपने टीम को जीत दिला के रहना है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया जॉबियल। चलिए एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, ही वॉक्स विद ए जॉन्टी स्टेप्स, ठीक है यहाँ देखिए ही वॉक्स विद ए जॉन्टी स्टेप्स, कैसे देखिए, बिल्ली अपने लाइक ए बॉस, अपने मन में आराम से खुशमिजाज जिंदा दिल जो है भाव से चलती जा रही है, ठीक है ये डायग्राम थोड़ा सा फनी है आप लोग इसे याद रखने के लिए मैंने इसे डाला है। ये वॉक्स विद ए जॉन्टी स्टेप्स, वो वॉक कर रहा है मतलब चल रहा है किसे, खुशमिजाज जिंदा दिल भाव से। कुछ लोग चलते हैं तो उसमें झलकता है कि वो पर्सन खुश है, कुछ पर्सन चलते हैं तो ऐसा लगता है कि सारी दुनिया के सारे दुख थे उसी के महा जैसे पहाड़ टूट पड़ा है उन पे दुखों का, उसके देख के ही कोई पर्सन बोल सकता है वो कितना दुखी है, ठीक है। तो पर्सन को जॉन्टी होना चाहिए, ठीक है पर्सन को खुशमिजाज होना चाहिए ताकि वो सारे जो है
चीजों को झेल सके और सक्सेसफुल हो सके। ये देखिए बिल्ली कैसे एकदम जॉन्टी स्टेप में चल रही है, ठीक है, ये लाइक से बॉस, ये जॉन्टी कहा जाता है। तो जैसे ही जॉन्टी आता है दोस्तों, आप लोग बस याद रखिएगा जॉन्टी को जॉन्टी रोड से, ठीक है। अगला जो वर्ड है दोस्तों वो है हमड्रम। हमड्रम कैसे याद रखना है, हमड्रम। तो इसका कीवर्ड क्या होगा दोस्तों, बहुत इजी है, आपको कुछ नहीं करना है, भूलने की कोशिश करना है दोस्तों, याद करने की कोशिश नहीं करना है आपको। आपको चैलेंज ये है कि आप भूल कर दिखाइए सारी चीजें। आपको कोई बोलता है कि जॉन्टी मतलब क्या होता है, आप भूल कर दिखाइए कि जॉन्टी का अर्थ खुश मिजाज नहीं होता है तो मैं आपको मान जाऊंगा, ठीक है। आपको कोई पूछता है कि ऑपुलेंट का मतलब क्या होता है, तो ऑपुलेंट का मतलब क्या है, ऑपल ऑन द टेंट। आप भूल कर दिखाइए कि ऑपुलेंट का मतलब रिच पर्सन होता है तो मैं आपको मान जाऊंगा, ठीक है। अगर आपको कोई पूछता है कि ओवरवेयरिंग मतलब क्या होता है, ठीक है, तो आप भूल कर दिखाइए कि ओवरवेयरिंग का मतलब बॉसी पर्सन होता है या डिक्टेटर हो जाता है बियर पीने के बाद आदमी। उसके बाद अगर आपको कोई पूछता है दूसरा कोई आंसर पेंडोनियम, ठीक है, या तो पेंडेमोनियम जिसे कहते हैं पेंडोनियम, पेंडोनियम का मतलब आप भूल कर दिखाइए दोस्तों कि पेंडोनियम मतलब जो होता है चोज होता है या वाइल्ड या बैडली जो होता है लाउड म्यूजिक या इस तरह के नॉइजी थिंग्स जो होते हैं उसे पेंडोनियम कहते हैं, ठीक है, मतलब पांडा हारमोनियम बजा रहा है, ठीक है, आप लोग भूल कर दिखाइए। उसके बाद अगर कोई पूछता है आपसे पाइनेशिया क्या होता है, तो पाइनेशिया मतलब एशिया का पान जो आपके सारे दुख दर्द दूर कर देगा। आप लोग भूल कर तो दिखाइए, ठीक है, तब मैं मानूंगा, ठीक है, कि पाइनेशिया मतलब जो होता है आपके सारे दुख दर्द दूर कर देगा। तो ये सारे थिंग्स दोस्तों आपको चैलेंज ये एक्सेप्ट करना है कि भूल कर दिखाना है, और अगर आप लोग नहीं भूले तो आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, सारे जो है अपने जितने भी दोस्त है आप लोग जिसको अपना अच्छा मानते हैं, जो भी आपके पास ग्रुप है, उससे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है आपको, बस इतना मेरा रिक्वेस्ट आपको मानना है दोस्तों, अगर आप लोगों को बेनिफिट होता है तो। और जिसे भी करना है आप लोग जरूर मुझे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। तो हमदम, हमड्रम मतलब क्या होता है दोस्तों, हमड्रम को आप लोग याद कर सकते हैं हमदम से। हमदम, हमदम मतलब पता है दोस्तों आपको, हमदम मतलब क्या होता है, लाइफ पार्टनर। आप लोगों ने बहुत गाना में सुना होगा, तो ये मेरे हमदम, हमदम मतलब तू ही मेरी हमदम, मतलब तू ही मेरा लाइफ पार्टनर है, लाइफ पार्टनर। तो आपको पता होगा दोस्तों अगर लाइफ पार्टनर जो है लाइफ से चली जाती है तो किस तरह से गम होता है या दुख होता है। तो हमड्रम, हमड्रम मतलब क्या होता है, लाइफ पार्टनर का चले जाना लाइफ से। हमदम, हमदम का अपने से दूर हो जाना। तो अपने से अगर कोई दूर हो जाता है तो इंसान की स्थिति आप लोग देख सकते हैं कैसा हो जाता है। इसमें क्या है, नो हमड्रम मतलब कोई हमदम नहीं है। तो हमदम अगर ना हो तो जिंदगी कैसा हो जाता है, जिंदगी का ही ड्रम बज जाता है, ठीक है। तो हमड्रम मतलब जब भी आता है दिमाग में आप लोग ये आना चाहिए, इंसान डल एंड सैड, ठीक है, हो जाते हैं, ठीक है। हमदम नहीं होने पे इंसान क्या होता है, डल और सैड हो जाता है, उसका लाइफ कैसा होता है, मोनोटोनस हो जाता है, मतलब क्या है, एक किसी पीटी सी लाइफ हो जाती है, इसका लाइफ का कोई मतलब नहीं होता है, जिसे कहते हैं निरस हो जाता है लाइफ, लैक ऑफ एक्साइटमेंट, कोई एक्साइटमेंट ही नहीं रह जाता है लाइफ में, कुछ भी नहीं रहता है, बस लाइफ जीना है, बस जीना है और कुछ भी नहीं है। तो इस तरह के लाइफ जो होते हैं उसे कहते हैं हमड्रम। तो जब भी हमड्रम आता है आप लोग याद रखिए हमड्रम को हमदम से कोरिलेट कीजिए, हमड्रम को हमदम। हमदम ना हो अगर लाइफ में तो लाइफ कैसा हो जाता है, बहुत सैड हो जाते हैं लाइफ, बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत सैड हो जाता है, लाइफ बिकम मोनोटोनस, लाइफ बिकम लैकिंग ऑफ एक्साइटमेंट, इस तरह के हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका निरस लाइफ के सिनोनिम्स देख लेते हैं किस तरह से होता है। तो हमड्रम का क्या हो सकता है दोस्तों, हमड्रम का सिनोनिम्स प्रोसेक, कॉमन प्लेसिंग, अनएक्साइटिंग। दोस्तों अगर बहुत दोस्त में पूछेंगे कि सर प्रोसेक को कैसे याद करें, ठीक है, इसको भी मैं दिला देता हूं याद आपको। प्रोसेक मतलब देखिए परसों से एक ही लाइफ में जी रहा हूं, प्रोसेक, प्रोसेक परसों, बार बार कीजिए आप, प्रोसेक मतलब परसों से एक ही लाइफ जी रहा हूँ, बहुत बोरिंग हो गई लाइफ, परसों से एक ही लाइफ, प्रोसेक मतलब प्रोसेक परसों से एक ही लाइफ, प्रोसेक। देखिए प्रोसेक को आपने किए परसों प्लस एक क्या हो जाएगा, आप लोग संधिविच्छेद ऐड कीजिए, परसों प्लस एक को क्या लिख सकते हैं आप लोग, प्रोसेक लिख सकते हैं। परसों प्लस एक मतलब परसों से मैं एक ही लाइफ जी रहा हूँ, परसों से मैं रूम से निकला ही नहीं, मतलब लाइफ बिकम, अगर आप लोग तीन चार दिन लाइफ मतलब घर से ना निकले तो आपकी लाइफ कैसी हो जाती है, बहुत बोरिंग सी हो जाती है, बहुत मोनोटोनस सी हो जाती है। सुबह उठना है, खाना है, फिर से सोना है, फिर पढ़ाई करनी है, फिर सोना है, फिर उठना है, लाइफ कैसे हो जाती है, बहुत बोरिंग हो जाते हैं। तो इस तरह की जो लाइफ होती है उसे कहते हैं प्रोसेक, ठीक है। परसों से एक ही लाइफ जी रहे हैं, कॉमन प्लेस मतलब एक ही जगह पे पड़े हुए हैं, या अनएक्साइटिंग
एक ही लाइफ अगर जीते हैं तो अनएक्साइटिंग हो ही जाएगी लाइफ। उसके ऑपोजिट क्या हो जाएगा, अगर आप घूमते फिरते हैं डेली लाइफ में, नए चैलेंजेस आते हैं, लाइफ को अच्छे जिंदा दिली से जीते हैं, तो उस तरह की लाइफ को क्या कहेंगे, एक्साइटिंग। ठीक है, जॉन्टी लाइफ जिसे कहते हैं आप लोग जीते हैं अगर जॉन्टी, ठीक है, चेयरफुल लाइफ, या तो एक्साइटिंग कहेंगे या तो लाइवली कहेंगे उसको। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों एक एग्जांपल के थ्रू आपको और ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर द लास्ट टू ईयर ही हैज़ फॉलोइंग ए हमड्रम रूटीन, मतलब दो साल से लगातार वो एक हमड्रम, मतलब एक बोरिंग, एक मोनोटोनस जो है, या तो एक तरह से आप लोग कह सकते हैं डल, या तो प्रोसेक जो है, प्रोसेक मतलब परसों से एक ही प्रोसेक, प्रोजेक्ट जो है लाइफ स्टाइल लीड कर रहा है। ठीक है, रूटीन लीड कर रहे हैं। देखिए एक बिल्ली कितनी दुखी है, कितनी सैड है, क्यों, इसका लाइफ स्टाइल एक ही है, कोई चेंजेस नहीं है इसके लाइफ में, कहीं जाना नहीं है, उसी घर पे पड़े रहना है, बस सालों साल, सालों साल पड़े रहना है। तो उसकी लाइफ कैसी हो गई है, प्रोजेक्ट, या तो उसको कह सकते हैं मोनोटोनस, बहुत सैड लाइफ हो गई है, लैक ऑफ एक्साइटमेंट, बहुत निरस लाइफ हो गया है। तो इसी तरह के लाइफ को कहते हैं हमड्रम। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखते हैं दोस्तों। अगला वर्ड है हीनियस। हीनियस कैसे आपको उच्चारण करना है, हे न्यू एस, हेनियस। ठीक है, तो याद करने का इसको कैसे याद कर सकते हैं दोस्तों, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस भूलने की कोशिश करनी है। ठीक है, हीनियस, हीनियस मतलब हाइना, हाइना तो आपको पता ही होगा, ये जानवर जैसे आप लोग देख रहे हैं ये जंगल में जो मांस खाता है, हाइना। ठीक है, हाइना एनिमल होता है, बहुत खतरनाक एनिमल होता है। ठीक है, हाइना, हाइना क्या होता है, एनिमल हाइना, जब भी हीनियस आता है आपको याद रखिए हाइना एनिमल, बस याद रखिए हीनियस जैसे ही आता है हीनियस को, हीनियस, हीनियस मतलब हाइना, जैसे हाइना से रिलेटेड हो रहा है दोस्तों, हीनियस, देखिए हाइनियस मतलब हाइना से रिलेटेड, हाइना आपको पता है तो कि ये हाइना है जो जंगल में रहता है। ठीक है, ये हाइना कहते हैं इसे, ये बहुत खतरनाक एनिमल होता है, ये क्या मांस खाता है। ठीक है, तो इस तरह के एनिमल्स जो होते हैं हीनियस होते हैं, बहुत जघन्य होते हैं, या तो जिसे बहुत बैड होते हैं, बहुत हेटफुल होते हैं, जिसे ऑफुल कहते हैं, या तो बहुत हॉरेंडियस होते हैं, हॉरेंडियस मतलब हॉरफुल, जैसे हॉरेंडियस को आप लोग हॉरर से कोरिलेट कर सकते हैं, आप लोग हॉरर, हॉरर मूवी जो होती है आप लोग देखिएगा, बहुत जो होता है भयावह होता है, भय आता है, मतलब डर लगता है इंसान को। ठीक है, तो हॉरेंडियस, हॉरेंडियस, हॉरेंडियस को कैसे याद कर सकते हैं, जैसे हाइनियस, हाइनियस, हाइना जो होता है बहुत भयानक होता है, बहुत भयफुल होता है। देखिए कैसे चेहरा है इसका। ठीक है, हाइना जैसे आपको वर्ड आएगा हाइनियस, आप लोग ये याद रखिएगा हाइना का चेहरा, हाइना का चेहरा देखिए कितना खतरनाक होता है। ठीक है, बहुत हेटफुल होता है, बहुत बैड होता है, बहुत जघन्य होते हैं ये, बहुत मांस खाते हैं इसी तरह के। ठीक है, इसका चेहरा से आप लोग याद रखिए। ठीक है, हाइनियस जैसे आता है, हाइनियस को हाइना से याद रख सकते हैं आप लोग, हाइनियस। तो आप लोग बहुत दोस्तों कहेगा सर तो ऑफुल को कैसे याद करें, ऑफुल तो नहीं होगा, तो हॉरेंडियस तो याद हो जाएगा क्योंकि इसका चेहरा हॉरर जैसा होता है, या तो जैसे हॉरर मूवी में होता है उसी तरह का इसका चेहरा है, हॉरेंडियस तो याद हो जाएगा, पर ऑफुल कैसे याद होगा। तो दोस्तों मैं बता दूँ, ऑफुल याद करने के लिए आप लोग एक काम कर सकते हैं कि जब भी आप लोग इसका मुँह देखिए, इसका मुँह क्या होता है, खाने के बाद खून से भरा होता है। ठीक है, इसका मुँह देखने से कैसा लगता है, देखिए इसका मुँह किस तरह से है, बहुत बहुत देखने से बहुत बुरा है। ठीक है, तो जब भी हम लोग कोई ऐसे चीज़ें देखते हैं, बहुत गंदी चीज़ें देखते हैं, तो हम लोग का मुंह से कैसा वर्ड निकलता है, निकलता है ना इसे उल्टी वाली वर्ड, तो इस तरह के वर्ड होते हैं ऑफुल। ठीक है, जैसे ही इस हम लोग आईना का चेहरा देखते हैं जो कि खून से भरा है, ठीक है, वो खा रहा है, ठीक है, तो उसका कैसा होगा, ऑफुल, ऑफुल मतलब जैसे लगता है उल्टी आ जाता है, किसी चीज़ को हम लोग देखते हैं बहुत बुरा चीज़ तो मुंह से उल्टी आता है, तो ऑफुल, फुल मुंह में उल्टी फुल हो जाता है, तो उसे कहते हैं ऑफुल। ठीक है, आप लोग कह सकते हैं, तो उसको हाइनियस मतलब बहुत जघन्य है वो, बहुत जघन्य चीज़ किसी को देख लिए, ठीक है, किसी का मर्डर हुए, बहुत खून में लथपथ कुछ, तो मुंह से उल्टी तरह की आ जाती है, मन में एक जघन्य जैसे हॉरेंडियस भाव चला आता है, बहुत बुरी भावनाएं चली आती है, तो उसे कहते हैं ऑफुल। ठीक है, चलिए उसका सिनोनिम देख लेते हैं। सिनोनिम्स होता है उसका विक्ड, या तो फ्लेजिटियस, ठीक है, विक्ड या तो फ्लेजिटियस। विक्ड मतलब क्या होता है, जो कि जघन्यता से भरी हुई है। विक्ड मतलब क्या, विक्ड को आप लोग कैसे याद रख सकते हैं, विक पहने हुए, विक मतलब आपको पता है दोस्तों कि जो कि नकली चेहरा पहने हुए, देखिए विक्ड पहने हुए, चोरी कर रहा है, जघन्य काम कर रहा है, ठीक है, उसको कहते हैं, जिसे कहते हैं उसे हीनियस, हीनियस। ठीक है, आप लोग उसे याद कर सकते हैं, हीनियस, हाइना जैसे जघन्य होता है, उसी तरह से ये चोरी करना एक जघन्य काम है, जिसको जघन्यता कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से
तो आप लोग उसे विक्ट से याद कर सकते हैं। विक्ट मतलब विक पहने हुए होते हैं, जो कि मुखौटा पहने हुए होता है, चोरी करता है। सिविक पहने मुखौटा चेहरे में थे, विक्ट से याद कर सकते हैं। मतलब क्या होता है, बहुत जघन्य काम जो कहते हैं वो विक पहने हुए होते हैं, वो मुखौटा पहने हुए होते हैं, ठीक है। वो फ्लेजिटियस, फ्लेजिटियस को कैसे आप लोग याद कर सकते हैं, आप लोग फ्लेजिटियस को, फ्लेजिटियस को याद करने के लिए आप लोग बार बार इसको दिए फ्लेजिटियस फ्लेजिटियस फ्लेजिटियस। देखिए एक आ रहा है जैसे एसेंस आ रहा है किस तरह का, ट्रेजिटियस ट्रेजेडी जैसे होते हैं उस तरह। फ्लेजिटियस मतलब जो ट्रेजेडी हो जाता है, अगर किसी के घर चोरी हो जाए तो बोलते हैं बहुत कड़ी ट्रेजेडी हो गई आपके साथ, बहुत धोखा हो गया, ठीक है। तो उस वक्त उसी तरह की चीज़ वो कहते हैं हैनियस हैनियस, ठीक है। हाइना या तो किसी घर के चोरी हो गई, कोई जघन्य काम हो गया उसके, उसका फ्लेजिटियस मतलब ट्रेजेडी हो गई, फ्लेजिटियस, ठीक है। उसका ऑपोजिट क्या होगा देखिए दोस्तों, फ्लेजिटियस, देखिए फ्लेजिटियस मतलब क्या हो गया, जघन्य काम, फ्लेजिटियस मतलब जघन्यता काम हो गया, ट्रेजिडी हो गई। और रिजिटियस मतलब राइट हो गया, देखिए कैसे याद कर सकते हैं हम तो, रिजिटियस रिजिटियस कैसे एसेंस आ रहा है, राइट हो गया, अच्छा हो गया। फ्लेजिटियस मतलब फॉल्स हो गया, गलत काम हो गया, फॉल्स से फ्लेजिटियस याद कर सकते हैं। फ्लेजिटियस मतलब फॉल्स हो, मतलब गलत काम हो गया। और फॉल्स का ऑपोजिट क्या होता है, राइट, तो राइट को कैसे हो सकते हैं, रेजिटियस। रेजिटियस मतलब अच्छा हो गया तुम्हारे साथ, बहुत अच्छा हो किसी चीज को, उसको रेजिटियस कहते हैं। और उसे वर्चुअस भी कहते हैं, ठीक है। इसे बाय वर्चू मतलब वर्चुटियस मतलब बहुत अच्छा हुआ उसके साथ, ठीक है, वर्चु, ठीक है। या तो रेजिटियस, रेजिटियस मतलब अच्छा, उसका ऑपोजिट क्या होगा, फ्लेजिटियस मतलब बहुत बुरा, ट्रेजिडी हो गया उसके साथ, मतलब फॉल्स हुआ चीज का काम, फ्लेजिटियस, ठीक है। तो जब भी आपका हाइनियस आता है आपके दिमाग में तो क्या आना चाहिए दोस्तों, आपको इस हाइना का चेहरा आना चाहिए। हाइना क्या होता है, बहुत जघन्य होते हैं, बहुत ऑफुल मतलब मुंह से उल्टी आने लगती है, ऑफुल मतलब बहुत जघन्य, ठीक है। और चलिए दोस्तों एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे दिस मर्डर्स वर हाइनियस, ठीक है, ये मर्डर जो हुआ बहुत जघन्य हुआ, ठीक है। दिस पॉपुलर एक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग हाइनियस क्राइम्स, जैसे पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा और बोला कि ये जो पर्सन है वो जघन्य काम करने के लिए ही पकड़े गए हैं, एक्यूज्ड मतलब वो दोषी हैं, ठीक है। जैसे कि इस डायग्राम में तो आप लोग याद रखते हैं, एबल साइंटिस्ट कमिट्स हाइनियस क्राइम, मतलब जो बुरे साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है, वो ऐसे चीजें बनाते हैं जिनसे कि मनुष्य का हानि हो, जघन्य काम करते हैं, ठीक है, तो डीपली क्रिमिनल काम करते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग देख रहे हैं ये साइंटिस्ट जो है वो ऐसी चीजें बना रहा है जिससे कि रोग ज्यादा फैले लोगों में, ठीक है, तो ये बुरा काम कर रहा है, जघन्य काम कर रहा है, तो वो क्या है, हाइनियस काम कर रहा है, हाइनियस जिसे कहते हैं, हाइना जिसे जघन्यता काम करता है, हाइना जिसे जघन्य होता है उसी तरह से जघन्य काम करता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों के सामने थे, मैं नेक्स्ट जो है इसका एपिसोड जल्दी ही लाऊंगा। और दोस्तों अगर आप लोग अभी तक ये सारी चीजें नहीं भूले, हाइनियस हो या तो दोस्तों हमड्रम हो, हमड्रम मतलब हमदम जो दूर हो गया आपके पास से, ठीक है, या तो आप लोग नेक्स्ट क्या आप लोगों ने बताया, जॉन्टी, जॉन्टी जैसे मैंने बताया था, जॉन्टी, ठीक है, जैसे ये जॉन्टी, जॉन्टी रोड से बहुत ही फिट, या तो बहुत एनर्जीफुल, या तो डॉलफुल, आप लोग देखिए डॉलफुल बताया था मैंने, ठीक है। लैक्रिमोज मतलब किसी चीज़ की कमी हो जाती है आपके लाइफ में, ठीक है। ये सब चीज़ अगर आपको आती है, आप लोगों ने नहीं बोला है, तो दोस्तों मुझे लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए, और जरूर से ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, आप लोग जरूर मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, बोलो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।